사람 있죠? 부산! 하나 가는 거 사람! 하나 이쪽 빼고! 하나 쉬어 반대 하나! 늦까지 반대!
अरे सचिन और राज ठाकरे जी का क्या रिएक्शंस
उन्होंने तो बहुत तारीफ की, मतलब बोला उन्हें बहुत अच्छी लगी फिल्म, उन्हें हमारा काम अच्छा लगा। छोटी गीता बबीता, बड़ी गीता बबीता, आमिर सर, तो मैं खुश हूँ कि सबको अच्छी लग रही है फिल्म। किस बारे में देखिए, है तो इंसान ही गोरा काला, उसमें क्या हुआ इंसान सही है या गलत है वो इन्फ्लुएंस करता है। देखिए दंगल फिल्म आ रही है, उसके बारे में बात करिए तो वो अच्छा रहेगा। क्या आज हमने स्क्रीनिंग देखी है, फिल्म देखी है, हम उस बहुत खुश हैं उसको लेके, तो उस बारे में बात करोगे तो अच्छा रहेगा। मेरा दो नाम है। आपको जवाब जो है ना सामने देखे देना, चाहे सुनेंगे आप यहाँ से, ठीक है ना। हमने कई लोगों से बात की, इन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने कहा ये फिल्म ऑस्कर के लिए जानी चाहिए। वाओ, ये अगर आनी चाहिए हो जाए, हमें उम्मीद है कि जाएगी ऑस्कर के लिए। कैन यू एलैबोरेट? आई थिंक अगर ये हमारा काम और लोगों को अगर बहुत अच्छी लगी मूवी, आई थिंक मेरे लिए वही ऑस्कर होगा। हाँ, मेरा सबसे बड़ा अवार्ड वही होगा। अगर मेरा मेरी पहली मूवी है फातिमा की भी, और अगर लोगों को ये अच्छा लगा इससे बड़ी में से, आई थिंक ऑस्कर भी इससे बड़ी बात नहीं होगी। हाँ अगर वही, आई थिंक ऑडियंस का प्यार सबसे बड़ा होता है। अवार्ड्स तो मतलब हाँ मिले ना मिले वो बात अलग है, लोग क्योंकि लोगों का प्यार आपके साथ ज़्यादा रहता है, अवार्ड तो वहाँ पे शोपीस की तरह रह जाता है। तो आई थिंक मेरे सो मच आपके फादर और आपके भी फादर आ रहे हैं तो अरे पापा एक क्लास में सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि फिल्म ना रिलीज करने का वो हटा दिया गया, लेकिन दंगल शायद वहाँ रिलीज नहीं होगी, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं, मुझे भी नहीं पता, वो तो हमें उनको पूछना पड़ेगा। थैंक यू पापा, बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आमिर बाघेल जो मैंने लिख रखे सच्चाई हकीकत है, जो पिक्चर में है स्टोरी है वो सच्ची कहानी है, और बड़ी मेहनत की भाई साहब ने, और दाव भी बहुत बढ़िया, वजन भी ठीक बढ़ाया था, सही पहलवान कैसी बॉडी बनाई है, बहुत बड़ी मेहनत की है। और मैंने इस दुनिया को पता लग जाए हकीकत क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर खास करके हरियाणा में लड़का और लड़की में काफ़ी भेदभाव है, लेकिन ये जो पिक्चर स्टोरी देखा पिक्चर देखेगा दंगल, मतलब माँ बाप में आज ही फर्क हो गया, और उसके बाद में काफ़ी बदलाव आएगा। जो लोग अपनी लड़कियों को कम इज्जत देते हैं वो माँ बाप इसे सबक लिए, और अपने लड़कियों को जो मैंने पाली है कोशिश है वैसी इज्जत वो माँ बाप अपनी लड़कियों को करेंगे। आमिर सर, हाउ इज राज साथे एंड सचिन सर रिएक्शन टू दिस मूवी? या सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है, महावीर जी और उनकी दो बेटियाँ गीता बबीता, हमें बड़ी चिंता थी कि आप लोगों को पिक्चर कैसी लगेगी, तो हमें बेहद खुशी है कि महावीर जी, गीता जी, बबीता जी को फिल्म इतनी पसंद आई है, और जो उनकी कहानी है वो हम पर्दे पर ला सके हैं और इनको इतनी अच्छी लगी है, तो हमें सबसे बड़ी खुशी उस बात की है। और सचिन जी भी आए थे आज, राज जी भी आए थे, सभी को फिल्म बहुत पसंद आई, और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमने मेहनत की है, जो नितिश सर ने जो कहानी और डायरेक्शन किया है, और पूरे टीम ने जो काम किया है, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, और वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत खुशी हो रही है। महावीर जी ने आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या दिया फिल्म देखने के बाद? महावीर जी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको फिल्म में?
ये सब से ऐसी जो खुशी लगी और जो लड़कियाँ से जो प्यार मैंने प्रेम दिया है लड़कियों को जो प्रेम दिया है हाँ और जो मेहनत की है उनकी करवाई जो उनको बुरा लगा था लग रहा था लेकिन उन्हें बाद में लगा पिताजी अच्छी करवा रही है तो क्यों जब कोई भी जो बड़ी अच्छा काम करोगे तो उसके बाद आएंगे मेरे काफ़ी दिक्कतें आई है पैसे की दिक्कत आई है जी समाज की मैंने गालियाँ सुनी बहुत समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं काफ़ी मजाक उड़ा लेकिन आपने जो पिक्चर देखी भाषा जो मेहनत करा की है दुनिया पता चल जाएगा अभी वाक्य में पिक्चर क्या है नो नो नॉट लाइक दैट नॉट लाइक दैट सी आई एम नेवर कॉन्फिडेंट आई ऑलवेज आई एम नर्वस अबाउट ऑल माई फिल्म्स तो जब भी हम इतने प्यार मोहब्बत से फिल्म बनाते हैं तो हमें फिक्र होती है कि ऑडियंस को कैसे लगेगी अब तक ऑडियंस ने नहीं देखी अब तक हमारे दोस्त देख रहे हैं हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं आज महावीर जी ने देखा तो जो लोग देख रहे हैं उनको अच्छी लग रही है हमें बड़ी खुशी है लेकिन हमें इंतज़ार है कि जब 23 को फिल्म लगेगी और ऑडियंस देखेगी उनको कैसे लगेगी हमें उसका इंतज़ार है मैं इसके जो भाई साहब मूवी बने आई इसके बाद सारी जो भाई साहब जो टीम है और नीतीश तिवारी जी और उनकी जो टीम है मैं उनका दिल से शुक्रवाद गुजार करता हूँ धन्यवाद करता हूँ बहुत अच्छी भाई साहब का बार बार धन्यवाद करता हूँ जो इन्हें इतनी मेहनत करके फिल्म लाई है जो दुनिया को जो पता लगा कि सच्चाई क्या है और सच्चाई बात नहीं कोई भी बनावटी बात में सारी हकीकत का नहीं है कोई बनावटी बात नहीं है आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव डाल पाएगी देखिए भाई साहब का वही मैं जो सोच है भाई साहब लगे हैं भी जो खास करके हरियाणा राजस्थान में उत्तरी भारत में ज़्यादातर जो लड़कियों और लड़कों में बहुत भेदभाव है तो ये फिल्म देख रही है जिसके बारे में हर एक माँ बाप को मैसेज भाई साहब ने कोशिश की है भाई हर एक माँ बाप को मैसेज आएगा जो अपनी लड़कियों को प्रेम प्यार करें जिस प्रकार मैंने परवरिश की है हर एक मैं सभी माँ बाप से दुआ करता हूँ सभी माँ अपनी लड़कियों को भाई प्रेम प्यार दें अपनी लड़की को और जो है आगे बढ़ाए किन के लिए हाँ हाँ मैंने उनको मैसेज दिया है कि वो जब भी फिल्म देखना चाहें क्योंकि दोनों मसरूफ हैं तो जब भी वो फिल्म देखना चाहें हम उनके लिए स्क्रीनिंग रखेंगे ज़रूर आमिर हमने कुछ लोगों से बात की थी जिन्होंने फिल्म देखी आपको देखना सामने जी 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 हाँ ऐसे सुनो बोलिए बोलिए आमिर हम जिन लोगों ने कुछ फिल्म देखी हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे लगान थी उसी सबका क्षेत्र में और ऑस्कर के लिए इसको पढ़ाना चाहिए अच्छी तरह से जवाब दीजिए सर देखिए हमें सिर्फ ये खुशी है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और हमें उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए और वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है हमारी ऑडियंस उनको फिल्म पसंद आए यही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर वगैरह के लिए मतलब कभी मैं अवार्ड्स का नहीं सोचता मैं आपको सच बताऊँ मैं मुझे हमेशा ये दिल में बात रहती है कि जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है हमारी ऑडियंस जो है उनको फिल्म कैसी लगती है थैंक यू सो मच थैंक यू हाँ बैन हट गया है लेकिन हमारी फिल्म वहाँ नहीं लग रही है नहीं लग रही है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कोई भी पूछे ना देखना सामने ही बहुत अच्छा लग रहा है आई डिडंट एक्सपेक्ट कि हमें इतने अच्छे हमें नोटिस भी करेंगे आई डिडंट नो कि हमें कोई नोटिस भी करेगा बट आई एम वेरी ग्लैड दैट एवरीवन लव्ड आवर परफॉर्मेंस एंड आई एम वेरी हैप्पी या सेम हियर आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स सबको बहुत अच्छा लग रहा है रिलेटिव्स को फैमिली मेम्बर्स को एंड एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर द फिल्म लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वी वॉन्ट एवरीबडी टू सी इट इट्स वेरी नाइस फिल्म
and it's all up to you, and we are waiting for your response. Which was your memorable incidents during the shoot, and how you collaborated with each other? I think the whole movie itself is a very big memory for both of us. From the beginning, from the selection, from the audition, till all this. Even now, our first interview, it's a big memory for us. All the journey of Dangal, na, the whole journey is itself it's a big, big achievement. Big it's a big memory, and we had a lot of fun. Hani Kare, Bapu, aap dono pe shoot hua hai, to aap do line ga paayenge Hani Kare? हानी गाएगी मेरा गला खराब है नहीं हम नहीं गाए सबको सॉरी लेट्स स्टार्ट नो कम ऑन 1 2 3 4 बापू सेहत के लिए बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है हम पे थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक हैं हम पे थोड़ी दया तो कर हम नन्हे बालक हैं डिसिप्लिन इतना वो हम नेक्स्ट से बात करते हैं बहुत एक्साइटेड हूँ बट नॉट रियली आई डोंट रियली फील लाइक अ सेलिब्रिटी आई जस्ट फील लाइक feel like an ordinary girl which who got even a really big even if we are a big celebrity or we are a star we should be down to earth and we should be friendly with each with everyone so even if you are a big big celebrity even if you achieve anything you should be down to earth and you should be very kind so we just we're not behaving ourselves like an actor but and moreover we didn't do this movie merely for fame I think we really had a lot of respect for this movie and the script so that's why we did it aap dono ne guys sir ki pehli movie kaun si dekhi thi aapki kya memories hai actually we look forward to Aamir sir's picture because wo kafi you know saal mein ek baar aati hai and we look forward to it because unki film ka alag hi level hota hai pehli film kaun si dekhi thi मैंने कोई फिल्म नहीं आई डोंट वॉच मूवीज आई थिंक गजनी वाज माय फर्स्ट फिल्म या दैट्स रियली थैंक यू सो मच देखना वहाँ पर है ओके नितेश जी बहुत बधाई आपको सभी प्रशंसा कर रहे हैं फिल्म की थैंक यू सो मच प्रतिक्रिया मिली कैसी मिली इनफैक्ट जो मेन प्रतिक्रिया मैं वेट कर रहा था वो महावीर सिंह जी और गीता और बबीता की थी और एक हालांकि इतने लोग फिल्म देख चुके थे पहले और उनकी बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक थी और सब लोगों को बहुत पसंद आई थी बट मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि महावीर जी और गीता और बबीता को ये फिल्म कैसी लगेगी और जब उन्होंने आके बोला कि फिल्म उनके दिल को छू गई तो बहुत बड़ा मेरे लिए रिलीफ था एक्चुअली बिकॉज मैं थोड़ा सा नर्वस था कि जिनके ऊपर कहानी लिखी गई है उनको कैसी लगती है हाँ उनके साथ इंसाफ किया गया आमिर परफेक्ट उतरे आपकी आपकी जो विजन था उसमें मोर देन परफेक्ट उतरे मेरे ख्याल से तो एज अ डायरेक्टर इससे ज़्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते एक कलाकार इतने बड़े स्टेचर का इतने दूर तक जाकर आपके विज़न को साकार करने में पूरी कोशिश करे और ना सिर्फ कोशिश करे बल्कि उसको आपकी उम्मीदों पे कई गुना ज़्यादा खड़ा उतरे उससे ज़्यादा कोई एक डायरेक्टर नहीं मांग सकता एक्चुअली मुझे एक चीज़ कहनी है वो ये कि जब कोई भी डायरेक्टर कहानी सुनाता है तो हम जब कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में एक चित्र आता है एक इमेजिनेशन होता है और मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी डायरेक्टर की ये होती है कि जब वो आपको जो आपको नरेट करे जो पेपर पे है वो पर्दे पे उसी तरह ला सके उसको और बेटर ला सके
और मुझे बेहद खुशी है कि नितेश जी एज ए डायरेक्टर उन्होंने जो मुझे सुनाया था उससे 10 कदम आगे उन्होंने फिल्म बनाई है। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जो मैंने ट्रस्ट और फेथ नितेश जी में रखा वो उससे आगे बढ़कर उन्होंने हम सबको इतने अच्छी तरीके से लीड किया, जिस समझदारी से फिल्म बनाई है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। 48 घंटे रह गए सर, क्या मानसिक स्थिति है और पाचन क्रिया ठीक है? अगर किसी ने ये फिल्म पहले नहीं देखी होती और अगर ये फिल्म पहली बार दर्शकों के सामने जाती तो जाहिर है कि मैं बहुत नर्वस होता, बट थैंक्स टू आमिर सर, हम लोगों ने इतनी प्रतिक्रिया ले चुके हैं हम लोग लोगों की और इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला है, इतनी तारीफ मिली है कि अभी नर्वसनेस बहुत कम है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन सर मैं आपको बताऊँ, थिएटर में जब ऑडियंस देखती है ना तो फिल्म की एक अलग ही जिंदगी हो जाती है। बिल्कुल, उसका मुझे इंतज़ार है। मैं अभी तक नर्वस, मेरा नर्वसनेस अभी तक गया नहीं है, मेरा टेंशन अभी तक गया नहीं है, देखते हैं 23 का इंतजार है। लोग फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आमिर को फिल्म के लिए ऑस्कर तक मिल सकता है, और ऐसी जब प्रतिक्रिया मिल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है नितीश जी और मेरे लिए सबसे अहम जो है वो हम जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है, जो हमारी ऑडियंस है उनको फिल्म कैसी लगती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड, वही हमारे लिए है कि हमारी ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा आमिर आप करा के तरह फोटो देना था, देखो देखो। थैंक यू सर। फेटा मेरे छान फोटो था कोल्हापुर से, इकडे बघा था सर, साहेब साहेब मुझे अभी तक फैन नहीं सर, फैन नहीं सर, पार्टी बसा ना, बहुत ही खुश है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग था हमारे लिए, जिस लोगों पे फिल्म एक्चुअली आधारित हैं फॉर द फोगट्स, और उन्हें फिल्म बहुत ही अच्छा लगा। तो व्हाट कुड बी मोर स्पेशल देन द पीपल वी मेड द फिल्म अबाउट एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द फिल्म। ऑलवेज ऑलवेज बिफोर अ रिलीज एंड दैट्स द फन ऑफ इट। You know, everyone who's watched the film so far has been very, very encouraging. They've loved it very much. But of course, the final judge is the audience. So I hope that everyone goes out to watch it on the weekend and after. And we hope they love the film and, you know, sort of embrace it as much as we've enjoyed making it. You know, I don't want to speak too early. Film अभी तो release भी नहीं हुई है, तो मैं इतनी जल्दी बात नहीं कह रहा हूँ, but I feel that it is a lovely film and I am biased of course because I'm the producer of the film, but I think we'll take it a step at a time. The first thing is for the audience to love it, so we're hoping that that happens. No, I think you know, it is an encouraging move that they are allowing films to release there, and I hope that you know, over time the two countries sort the issues out that we have with each other. Dangal, we're not going to be releasing Dangal in Pakistan. This was a call we had taken, you know, a few weeks ago, and we are sticking with that decision. Ji, hum sab sehmat hain. Aap khushi ki baat kar rahe hain. 10 din reh gaye hain aapke, 10 din baad ek vishesh din bhi hai aur aap ek naya padmohar bhi sambhalenge. Kehna chahenge dono ke bare mein? Nahi, main at this point of time it's all about Dangal, so I'm just focused on Dangal at this point.
Sorry? How many screens has Occupy Mandal there? Screens? Well, there'll be more than 4,000 screens across the country. And out of Mumbai? Out of the country, more than 1,000 screens. And New Year's? Any plans for New Year's? Yeah. Well, it's my wife's birthday on the 1st, so... Bilkul. So, you know, we've got some plans, but we won't be talking about them. As I said, I think those plans we'll keep to ourselves. Achha, did you like the Jagga Jasoos trailer? Yeah, yeah. Huh? Achha laga? Chalo, lovely. I'm glad. Yeah? Thank you, thank you. And the kids, children and family will love it. Yeah. Yes. But again, you know, I'm biased, so what do I say? But I loved the trailer. I thought it was spectacular. And Kareena and Sam have been blessed with us. Yeah, I wish the three of them all the luck in the world. Wishes for the new year? Yeah, I'd like to wish everyone a very happy 2017. Have a Merry Christmas, have a Happy New Year, and may the film industry have a great year as well. Thank you so much. Thank you. You also. Thanks. Better half also. Thank you. अरे भाई भाई अरे भाई तुम मत ये बैठे हैं ना ऊपर ये क्या कर रहा चल जल्दी एक मिनट अरे हाथी ना रवि पीछे ले अरे आगे देख कौन है अरे ले लो उसको पीछे ना नायब साहब इकड़े चल भाई जान ले चल अरे भाई एक मिनट गाड़ी निकालने लो अरे एक मिनट रुकना नहीं मैंने ए भाई गाड़ी निकालने दे अरे गाड़ी निकाल लो रुकना यार सर गाड़ी निकालने दो गाड़ी निकालने सर लास्ट कौन है सर लास्ट सर 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 अरे कैसा ला रहा तू अरे राइट साइड ऊपर ऊपर आमिर सर ऊपर भी अरे रवि भाई क्या कर रहे गिरदार ऊपर थैंक यू
Thank you.